Best small size dog breed in your budget by the ultimate channel. Please subscribe our channel to make us up and enjoy the video. Sorry for Hey guys, the ultimate channel में आपका स्वागत है. मेरा नाम है आदित्य. तो दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम कुछ स्मॉल डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों को छोटे डॉग लेना पसंद है तो उनके लिए कौन से स्मॉल साइज के डॉग बेटर रहेंगे, उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं जो उनको अलग बनाती है, और आपके लिए कौन सा डॉग बेटर रहेगा छोटे साइज का. तो दोस्तों, इंडियन डॉग मार्केट में बहुत से ऐसे स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड है जो अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं. कुछ बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं आम आदमी के लिए, जैसे कि इंग्लिश बुलडॉग हो गए जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और कुछ स्मॉल साइज के डॉग कम प्राइस रेंज में भी आते हैं, जैसे कि पग हो गया और बीगल वगैरह हो गए, जो एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सकता है और उसके खाने पीने का ख्याल रख सकता है. तो आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं कुछ स्मॉल डॉग्स की बात करेंगे जो पॉकेट में भी ज्यादा भारी ना हो और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है और बहुत ही ज्यादा लविंग भी है, और आपके लिए कौन सा डॉग बेटर रहने वाला है. तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले एक इंडियन डॉग ब्रीड को रखते हैं जो कि है इंडियन स्पिट्स. तो इंडियन स्पिट्स मीडियम टू स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन वो स्मॉल साइज के ही होते हैं, लेकिन उनके बाल इतने बड़े होते हैं कि उस वजह से वो मीडियम साइज के लगते हैं और थोड़े ज्यादा बड़े लगते हैं. इंडियन स्पिट्स की खास बातों की बात करें तो ये काफी अच्छे वॉच डॉग्स होते हैं और घर में फैमिली मेंबर्स के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, और सबसे बढ़िया बात जो है वो ये है कि ये बहुत ही कम बजट में आते हैं. मतलब अगर आपका बजट करीब 7000 के आसपास भी है तो आपको इंडियन स्पिट्स इजीली मिल जाएगा. इनके इंडियन स्पिट्स के खाने की या फिर डाइट की बात करें तो ये इजीली अपने घर का खाना खा सकते हैं, मतलब हम जो खाते हैं. बट अगर आप इसको बाहर का खाना भी देना चाहे, बाहर का पैकेज फूड, तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये घर के खाने से भी इजीली अपना काम चला सकते हैं. और इंडियन स्पिट्स की एक कमी की बात की जाए तो इनके बाल बड़े होते हैं, जिस वजह से इनका पूरे साल हेयर फॉल चलता रहता है, और खासकर शेडिंग सीजन के दौरान इनके बहुत ही ज्यादा बाल झड़ते हैं और घर में हर तरफ बाल ही बाल बिखरे रहते हैं. जिनके पास इंडियन स्पिट है तरीके से जानते होंगे, लेकिन अगर आप उसको ग्रूम करते हैं अच्छी तरीके से, बाल साफ करते हैं, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. उसी तरह ही इंडियन स्पिट्स की जगह एक और छोटा डॉग है उससे थोड़ा, जो कि है पोमरेनियन, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. पोमरेनियन को लगभग हर डॉग लवर जानते हैं, और ये भी आपको काफी कम प्राइस रेंज में मिल जाएंगे. अराउंड 10,000 के आसपास आपको एक प्योर पोमरेनियन मिल जाएगा. इनके भी बात की जाए तो ये भी शेडिंग सीजन के टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन ये काफी चिड़चिड़े टाइप डॉग भी होते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि ये उनसे ज्यादा छेड़छाड़ ना करे, कहीं गलती से दांत वगैरह भी लग सकते हैं पोमरेनियन के. बट अगर संभाल के रखा जाए तो ये काफी अच्छे वॉच डॉग्स है और फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा बेटर है. अब बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड के बारे में जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, और इंडिया में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि है पग. जी हाँ, अगर आप पग लेना चाहे तो पग आपको करीब 12,000 रुपीज में प्योर ब्रीड मिल जाएगा. लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पग की इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे हैं और बहुत से लोगों को मिक्स ब्रीड पग सेल कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है. और पग के बारे में कहा जाए तो ये काफी फ्रेंडली होते हैं. हाँ, थोड़े से ज्यादा मोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये अगर आपको स्मॉल साइज का डॉग चाहिए तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है. अगर आप जिसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहते और घर में कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ के जाना चाहते हैं, तो पग आपके लिए बेटर है. ये बड़ी से बड़ी फैमिलीज के साथ इजीली रह लेते हैं और इन्हें छोटे बच्चों से भी कोई ज्यादा खतरा वगैरह नहीं है, मतलब ना के बराबर है, और ये काटते पीटते भी बिल्कुल नहीं है. लेकिन हाँ, ये अच्छे वॉच डॉग्स नहीं होते. कुछ कुछ पग होते हैं जो दूसरों को देख के चिल्लाते हैं, स्ट्रेंजर्स को देख के, लेकिन वैसे पग अच्छे वॉच डॉग्स नहीं होते. उसके बाद है चिहुआहुआ. और चिहुआहुआ के बारे में बताऊं तो ये डॉग काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब इनके मूड का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी काट पीट देते हैं. चिहुआहुआ के अलावा डैक्शेंड भी है, जो कि काफी अच्छे डॉग है और बजट में आते हैं, जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते. इसके अलावा बीगल भी है जो 15-22,000 की रेंज में आसानी से मिल जाते हैं. कुछ कुछ जगहों पे प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, और जितनी हाई क्वालिटी होगी उतनी प्राइस ज्यादा होगी. इसके अलावा आपको शिज़ू और लासा एप्सो जैसी भी डॉग ब्रीड मिल सकती है, जो कि काफी फ्रेंडली डॉग होते हैं और छोटी फैमिलीज के लिए भी काफी अच्छे होते हैं.
तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। तो और ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।